समग्र शिक्षा अभियान सेकेंडरी एजुकेशन लोक शिक्षण संचालनालय परिसर गौतम नगर भोपाल क्रमांक समग्र 285/2022-1550 दिनांक 02/06/07/2022 प्रति जिला शिक्षा अधिकारी समस्त जिले मध्य प्रदेश विषय नवनियुक्त शिक्षकों का प्रशिक्षण विषयांतर्गत प्रदेश में नवनियुक्त शिक्षकों को जिला स्तर पर प्रेरण प्रशिक्षण इंडक्शन ट्रेनिंग दिया जाना है। इस हेतु आपके जिले में O4 व्याख्याता प्राचार्यों को RCVP नरोन्हा प्रशासन अकादमी के माध्यम से प्रशिक्षित किया जा चुका है। इस हेतु प्रस्तावित 5 दिवसीय समय विभाग चक्र एवं प्रशिक्षण मॉड्यूल की सॉफ्ट कॉपी प्रशिक्षकों को उपलब्ध कराई जा चुकी है। प्रशिक्षण आयोजित किए जाने हेतु अन्य जानकारी इस प्रकार है। 1. सहभागी जिले में पदस्थ समस्त नव नियुक्त माध्यमिक शिक्षक तथा उच्च माध्यमिक शिक्षक जिनकी संख्या आपके जिले में सलगल सूची अनुसार है। 2. प्रशिक्षण अवधि 1 बैच हेतु 5 दिवस। यदि जिले में नव नियुक्त शिक्षकों की संख्या अधिक हो तो आवश्यकता अनुसार बैच को 5 दिवस के लिए बढ़ाया जा सकता है। 1. देव में अधिकतम 100 शिक्षक शामिल हो सकेंगे। एक बार में एक साथ हो 2 कक्षों में 100 शिक्षकों का प्रशिक्षण आयोजित किया जा सकेगा। 3. प्रशिक्षण का समय प्रातः 9:30 से 5:00 प्रतिदिन। 4. प्रशिक्षण तिथि 02 से 06 अगस्त 2022 प्रथम बैच 22 से 26 अगस्त 2022 द्वितीय बैच प्रशिक्षण हेतु यदि शेष हो तो 29 अगस्त से 02 सितंबर 2022 तृतीय बैच प्रशिक्षण हेतु यदि शेष हो तो 5. जिन जिलों में प्रशिक्षणार्थियों की संख्या 300 से अधिक है वे जिले प्रत्येक बैच में प्रशिक्षणार्थियों की संख्या इस प्रकार निर्धारित करें कि O3 बैच में प्रशिक्षण संपन्न हो जाए अर्थात O1 बैच में 100 प्रशिक्षणार्थियों से अधिक भी शामिल किए जा सकते हैं। 6. प्रशिक्षण स्थल प्रशिक्षण स्थल का चयन जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जिला मुख्यालय स्थित किसी उमावी CM राइज विद्यालय को छोड़कर अथवा अन्य उपयुक्त स्थानों को निर्धारित किया जा सकेगा। प्रशिक्षण स्थल का चयन करते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि वहां पर्याप्त बैठक व्यवस्था हो ऑडियो विजुअल व्यवस्था हो पेयजल की सुलभता हो तथा शौचालय स्वच्छ हो। यह भी सुनिश्चित करें कि प्रशिक्षण के कारण नियमित शिक्षण व्यवस्था प्रभावित नहीं होना चाहिए। जो शिक्षक मुख्यालय पर रुकना चाहें उनके लिए रुकने की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। 7. प्रशिक्षण हेतु शिक्षकों का चयन यह प्रशिक्षण जिले में नव नियुक्त माध्यमिक शिक्षकों तथा उच्च माध्यमिक शिक्षकों को दिया जाना है। जिले में पदस्थ नव नियुक्त शिक्षकों की संख्या के आधार पर पूर्व से ही यह निर्धारित कर लिया जाए कि कुल कितने बैच में प्रशिक्षण पूर्ण हो सकेगा। तदनुसार विकासखंडवार शिक्षकों को प्रशिक्षण हेतु आदेशित किया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि यदि किसी विद्यालय में एक ही शिक्षक है तो उन्हें प्रशिक्षण में बुलाने के पूर्व संबंधित विद्यालय के लिए वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित कर दी जावे। इसी प्रकार यदि विद्यालय में एक से अधिक नव नियुक्त शिक्षक हैं और प्रशिक्षण 2 अथवा अधिक बैच में संभावित हो तो सभी शिक्षकों को एक साथ न बुलाकर बारी बारी से बुलाया जाए ताकि विद्यालय में अध्यापन कार्य प्रभावित न हो। बी जिला शिक्षा अधिकारी इस प्रशिक्षण के लिए एक अधिकारी प्राचार्य को नोडल अधिकारी नियुक्त करेंगे। 9. प्रशिक्षण हेतु वित्तीय व्यवस्था जिला स्तरीय प्रशिक्षण हेतु प्रति व्यक्ति प्रति दिवस ₹300 का प्रावधान है। इस प्रशिक्षण में सभी प्रकार के व्यय जैसे वर्किंग लंच भोजन चाय मॉड्यूल की प्रिंटिंग फोटोकॉपी बिजली पानी व्यय आवश्यक उपकरणों के किराया भुगतान आदि का व्यय समस्त प्रकार की स्टेशनरी तथा दस्तावेजीकरण पर व्यय मास्टर ट्रेनर्स का व्यय 400 प्रत्येक सत्र 1.30 घंटा के मान से वास्तविक यात्रा व्यय आने जाने का किराया माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक हेतु आवास व्यय आदि सम्मिलित हैं। इसमें किसी मद कार्य हेतु कोई दर निर्धारित नहीं है तथापि संपूर्ण व्यय व्यवहारिक रूप से किया जाए अनावश्यक व्यय न किए जाएं। 10. प्रशिक्षण बैच हेतु निर्धारित शिक्षकों की संख्या के अनुसार शिक्षकों को मुक्त करना एवं प्रशिक्षण केंद्र पर उपस्थित कराने का उत्तरदायित्व संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी का होगा। 11. जिला स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार कर संपूर्ण जानकारी ईमेल पर दिनांक 30 जुलाई 2022 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि आवश्यकतानुसार राशि प्रदाय की जा सके। मनीषा सैंतिया अपर परियोजना संचालक समग्र शिक्षा सेकेंडरी एजुकेशन लोक शिक्षण प्र भोपाल दिनांक 24 जुलाई 2022